ओ भाई, स्वागत नहीं करोगे? तो ये भाई Lenovo IdeaPad Slim 5 और इस लैपटॉप की बहुत टाइम से कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट चल रही थी, बट कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया बट ले तो आए। और इसमें i5 13 जनरेशन H सीरीज वाला थिन एंड लाइट में जो सबसे प्रीमियम चीज मिल सकती है ना, वो मान के चलो, तगड़ी परफॉर्मेंस वाला मसाला। करे शुरू, एक साथ सारा कुछ बाहर खाली हो गया भाई। तो Lenovo की तरफ से बहुत सारे कागज, एक अपनी पावर कोड नॉर्मल वाला प्लग है, दना था अपना टाइप सी वाला 65 वॉट का अडेप्टर। तो ये चीज बहुत सही लगी कि टाइप सी अडेप्टर दिया इन्होंने, कम से कम चार्ज तो होगा यार। क्या भाई, फिंगरप्रिंट बहुत आते हैं इस पे, क्या करें। तो कुछ ऐसा अपना लैपटॉप, और ये है 16 इंच का, इसलिए काफी बड़ा बड़ा भी लग रहा हुआ देखने में, पर फॉर्म फैक्टर इसका 15 इंच वाला ही है। बेजल वेजल कम करके सिस्टम बिठा दिया। टॉपर लीड बिल्कुल प्लेन फिनिश में आती है, यहाँ पे साइड में अपना Lenovo का लोगो और बहुत ही प्रोफेशनल लुक है। अपर लीड अपनी मेटल की है इसकी, नीचे से देख सकते हो यहाँ पर वेंट्स हैं और रबर ग्रिप वगैरह, बिल्कुल एकदम प्लेन सिंपलिस्टिक थिन एंड लाइट वाला डिजाइन, और नीचे से भी बिल्कुल अपना मेटल बिल्ड में आता है। उठाने में फील हो रहा है कि काफी ज्यादा तगड़ी और स्टर्डी बिल्ड है इसकी। तो अगर कोई स्टूडेंट या फिर प्रोफेशनल बंदा देख रहा है और ऐसा कोई लैपटॉप चाह रहा हो ना ऑफिस यूज के लिए, बिल्कुल एकदम वैसी लुक है। बाकी यहाँ हिंज के अंदर एग्जॉस्ट वेंट फिट है इसका, एक हाथ से उठाना चाहे तो आराम से ओपन हो जाता है भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती। एक यहाँ तक एंड पहुंचने के बाद नीचे से थोड़ा सा अपलिफ्ट होता है, बाकी एक हाथ से आराम से खुल जाता है, और कुछ इतना इसे हम लेटा सकते हैं ऑलमोस्ट 170 डिग्री के आसपास। अंदर से भी काफी ज्यादा प्रोफेशनल लुक है यार इसकी, देख के बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा मजा सा आ रहा है देख के वाला। बाकी हिंज भी काफी ज्यादा स्टेबल लगा मेरे को इसका, एंड वोबलिंग तुम देख सकते हो कि हल्की फुल्की वोबलिंग इसमें है, बहुत ही कम है पर थोड़ी सी है। एंड फ्लेक्स की बात करें तो अपर लिड पे बहुत ही माइनर सा फ्लेक्स, मतलब क्योंकि मेटल बिल्ड है ना तो ना बराबर बिल्कुल है ही नहीं। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी बहुत ही कम है भाई, बिल्कुल बिल्ड में तुम शिकायत नहीं कर सकते, ये चीज हाथ में पकड़ते ही फील हो जाएगी तुम्हें। तो प्रोसेसर इसके अंदर i5 13500H 12 कोर 16 थ्रेड्स के साथ, 4 परफॉर्मेंस और 8 एफिशिएंसी कोर्स है इसमें। बाकी इस लैपटॉप के अंदर एक i5 12 जनरेशन वाला वेरियंट भी आता है, वो भी सीरीज प्रोसेसर के साथ, वो थोड़ा सा सस्ता है इससे पर परफॉर्मेंस वाइज ये ज्यादा बेटर है। बाकी लिंक में डाल दूंगा, वीडियो देखने के बाद चेक कर लेना आराम से। ग्राफिक्स से इसके अंदर इंटीग्रेटेड वाले आयरिस एक्सी ग्राफिक्स, और रैम है इसमें 16GB की LPDDR5 5200MHz की डुअल चैनल रैम, और LPDDR है तो अपग्रेड नहीं हो सकती, सोल्डर्ड है। स्टोरेज इसमें 512GB की Gen 4 SSD, और ये है कुछ इसकी रीड एंड राइट स्पीड्स। और स्टोरेज कितनी अपग्रेड हो जाएगी ये कहीं मेंशन नहीं था, बाकी मेरे हिसाब से स्टोरेज तो हो ही जानी चाहिए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्लॉट भी है उसको भी तुम हटा करके ज्यादा स्टोरेज SSD लगा सकते हो, और एक्स्ट्रा स्लॉट का कोई जानकारी नहीं था, वो तुम्हें Lenovo वालों से बात करके पता चलेगा। कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.1, और MS Office Home and Student भी है 2021 वाला लाइफ टाइम के लिए, थिन एंड लाइट है ना तो वो तो देना ही है। तो अगर तुम्हें से कोई दिल्ली नोएडा या गाजीबाद से देख रहा है, तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो चाहे गेमिंग, नॉन गेमिंग, प्रोफेशनल या कैसा भी लैपटॉप खरीदना हो, तुम जा सकते हो फ्यूचर आईटी जोन, और ऑलमोस्ट हर ब्रांड का लैपटॉप वहां पे अवेलेबल है। किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, फाइनेंस की फैसिलिटी भी है। संपर्क करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल दे दूंगा, वहां से कर सकते हो। ये लैपटॉप भी ने प्रोवाइड किया और हमारा रेफरेंस हो गया तो थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। अब सीधा परफॉर्मेंस देखते हैं, मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे, सिनेबेंच R23, Geekbench 6, क्रॉसमार्क, 3DMark TimeSpy और PCMark 10। तो वो स्कोर्स देख के मैं ये तो कह सकता हूं कि भाई प्रैक्टिकली अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, तुम क्या नहीं कर सकते इसमें। प्रोग्रामिंग करनी हो, कंटेंट कंजम्पशन करना हो, नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह काम करने हो, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना हो, या फिर कैसा भी काम करना हो, स्टूडेंट रिलेटेड हर चीज हो जाएगी। अगर स्टूडेंट हो कॉलेज वाले और ग्राफिक ओरिएंटेड कुछ करने का सोच रहे हो, या फिर हैवी लेवल की प्रोग्रामिंग करनी है जिसमें ग्राफिक कार्ड यूज होगा, वो चीज मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है। उसके लिए तुम भाई गेमिंग लैपटॉप लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट सीपीयू रिलेटेड किसी भी लेवल का काम कर सकते हो, प्रोग्रामिंग वगैरह में ज्यादातर सीपीयू ही चाहिए होता है। बाकी अगर वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग करते हो तो 4K लेवल तक सब चीजें आराम से चल जाएंगी, फोटोशॉप में किसी भी लेवल का काम कर लो। बाकी प्रीमियर प्रो में मैंने वीडियो एडिटिंग 4K 60 टेस्ट किया था, आराम से स्मूथ चल रहा था, कोई लैग वैग नहीं आ रहा। पावर पे लगा के करना पड़ेगा, विदाउट पावर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। चार्जर यूज करना हमेशा, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, चार्जर यूज करके दिमाग से निकाल दो। एंड अगेन अगर ग्राफिक ओरिएंटेड काम करना है तो वो भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है। तो गेमिंग लैपटॉप हमने बहुत सारे रिव्यू करे, इस बजट में आ भी जाएंगे तुम्हारे पास, आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो तो मैंने कुछ गेम टेस्ट करे है, देख लो। पहले हमने काउंटर स्ट्राइक 2 टेस्ट किया लो प्रीसेट पे 1200p रेजोल्यूशन पे, तो इसके अंदर हमें 60-70 FPS मिले थे, कभी कभी 80 टच हो रहे थे। तो कैजुअली अगर तुम्हें खेलना है तो खेल सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी टेम्परेचर्स मुझे थोड़े से ज्यादा हाई लगे इस वाले गेम में अपने
अपने जा रहे थे 90-95 डिग्री तक। वैसे कोई इशू नहीं है, बट मैं कहूँगा कि कूलिंग पैड सही रहेगा, थिनन लाइट है भाई, थर्मल्स बहुत ज़्यादा तगड़े नहीं होते इन लैपटॉप्स के, इसलिए कैजुअली खेलने के लिए सही रहेगा। बाकी कूलिंग पैड रिकमेंडेड है अगर गेमिंग करते हो तो। देन GTA 5 टेस्ट किया, ये भी लो प्रीसेट पे ही टेस्ट किया मैंने, 1080p रिजोल्यूशन पे। तो इसके अंदर हमें 1080p की वजह से मे भी हो सकता है ज़्यादा हमें FPS मिल रहे हैं, 60-70 कभी कभी 80 तक भी टच हो रहे हैं, तो मतलब अच्छे से स्मूथ गेम प्ले हो जाएगा लो प्रीसेट पे अगर GTA खेलते हो तो। बाकी इसकी ना फैन स्पीड फुल नहीं हो रही थी ऑटोमेटिकली, तो मे भी इस वजह से भी हो सकता है हमें टेम्परेचर ज़्यादा लगे, तो अगर वो हम फुल करने का जुगाड़ लगा दें तो फिर हो सकता है कि थोड़े कम टेम्परेचर मिल जाएंगे। देन वैलोरेंट टेस्ट किया हाई प्रीसेट के ऊपर, ये 1200p रेजोल्यूशन पे किया था और इसके अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही थी हमारे पास, मतलब हाई प्रीसेट में भी तुम्हें 100+ FPS मिल रहे हैं, तो मतलब आराम से तुम खेल सकते हो, अच्छे से वैलोरेंट एंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस लेवल के जितने भी गेम है वो आराम से खेल पाओगे, बाकी सारे स्टैट्स तुम्हारे सामने देखते रहो। देन RDR2 टेस्ट किया लो प्रीसेट पे 1080p रेजोल्यूशन पे, तो इसमें 30 FPS के आसपास आ रहे थे, तो AAA टाइटल में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो तो पता भी है हमें, बाकी अंदाजे के लिए मैंने दिखा दिया। देन Far Cry 6 टेस्ट किया लो प्रीसेट पे 1200p रेजोल्यूशन पे, तो इसके अंदर भी देख सकते हो कि काम चलाओ सी परफॉर्मेंस है 20-30 FPS, तो ये बस ऐसे ही है कि बस चल गया, ये बड़ी बात है, बट ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि 30 बहुत ही प्लेएबल टाइप FPS होते हैं। बाकी पोर्ट्स देखे तो लेफ्ट साइड पे हमें 2 USB टाइप सी 3.2 Gen 1 वाले पोर्ट्स मिलते हैं और दोनों ही अपने फुली फंक्शनल है, मतलब दोनों ही पोर्ट से तुम लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो, फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, डिस्प्ले शेयर कर सकते हो और भी जितने भी काम होते हैं पावर डिलीवरी वगैरह सब चीज सपोर्टेड है, जैसे मैकबुक्स में होता है वैसे। एक मिलता है HDMI 1.4B वाला पोर्ट और एक अपना हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। राइट साइड पे हमारे पास 2 USB टाइप ए 3.2 Gen 1 वाले पोर्ट्स, जिसमें से एक अपना पावर ऑफ चार्जिंग के साथ आता है, मतलब लैपटॉप बंद है तो भी पावर डिलीवरी देगा, कुछ चार्ज करना हो इमरजेंसी में तो कर सकते हो। एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और कुछ इंडिकेटर्स वगैरह, बस थंडरबोल्ट की कमी है, बाकी सब तो दे दिया। तो पहले हमने HDMI से डिस्प्ले शेयर करी है और HDMI पोर्ट अगर देखें तो अपनी डिस्प्ले शेयर हो जाती है, 1080-60 से ज्यादा रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं करती है इसकी HDMI वाला पोर्ट क्योंकि ये 1.4 वाला है। उसके बाद पहले वाले टाइप सी पोर्ट पे डिस्प्ले लगाई तो इस पोर्ट से भी डिस्प्ले शेयर सपोर्ट है और अपनी 4K 60 तक टाइप सी पोर्ट से डिस्प्ले शेयर हो जाती है। फिर हमने दूसरे वाले टाइप सी पोर्ट पे कनेक्ट किया और दूसरे वाले टाइप सी पोर्ट से डिस्प्ले शेयर हो जाती है, ये भी 4K 60 तक सपोर्ट करता है आराम से और एक साथ हम 2 डिस्प्ले भी शेयर कर सकते हैं। बाकी अंदर का डिजाइन काफी ज्यादा सिंपलिस्टिक प्लेन और बढ़िया लगता है, मतलब यार अगेन प्रोफेशनल वाली बातचीत। कीबोर्ड इसका ग्रे फिनिश में आता है और काफी ज्यादा बढ़िया लगता है देखने में। तो लेफ्ट राइट पे कुछ ब्रांडिंग वगैरह, सेंटर में अपना टच पैड का साइज बहुत ही बड़ा है, मेरा हाथ पूरा फिट आ रहा था। जेस्टर्स वेस्टर्स करने हो कुछ भी करने हो बढ़िया चलेगा और फुली टच है, फीडबैक भी अच्छा आता है। बाकी कीबोर्ड भाई बहुत ही सही लगा मेरे को, बैकलीट कीबोर्ड है, व्हाइट कलर की बैकलीट है, 2 लेवल की ब्राइटनेस के साथ, मतलब एक अच्छा सा सॉफ्ट सा टेक्टाइल फीडबैक आता है, तो टाइपिंग वाइपिंग करोगे तो बहुत ही कम आवाज आती है, तो अगर टाइपिंग वाले कोई भी काम होते हैं वो बढ़िया निकल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मजा आता है। और हाँ, इसमें हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता, उसके बजाय हमें मिलता है फेस अनलॉक इंफ्रारेड वाला जो विंडोज हेलो के सपोर्ट के साथ आता है और वो भी काफी सही काम करता है, जैसे ही लैपटॉप की लीड को ओपन करो भाई आराम से एकदम एंट्री हो जाती है लैपटॉप के अंदर अपनी, बढ़िया काम करता है वो भी। बाकी फंक्शन की इस पे काफी सारे शॉर्टकट्स भी हैं और ऊपर मिलती है एक ग्रिल, ये एयर इनटेक की नहीं है, ये स्पीकर्स है अपने, पीछे से बिल्कुल प्लेन है, स्पीकर्स ऊपर है इसके, स्पीकर्स डिसेंट से है, बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं है, मतलब ऐसे काम चलाओ सही है जैसे एवरेज लैपटॉप्स में आते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़े ज्यादा अच्छे दे देते इस वाले लैपटॉप में, पर नॉर्मल से ही लगे मेरे को, बाकी क्वालिटी वाइज अच्छे हैं। देन आती है अपनी डिस्प्ले और इस लैपटॉप में भाई 16 इंच की काफी बड़ी सी विशाल सी डिस्प्ले, बेजल्स भी बहुत ही कम है इसके और ये एक WXGA 1920x1200p रेजोल्यूशन के साथ आती है, मतलब FHD प्लस हो गया एक तरीके से 1080p से थोड़ा बड़ा और 16:10 है और रिफ्रेश रेट इसके अंदर 60Hz का, 300 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है और ये IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है और कलर एक्यूरेसी के लिए इसमें है 45% NTSC। बाकी इस प्राइस के हिसाब से मेरे को एक्सपेक्टेड था कि 100% होती तो ज्यादा अच्छा रहता, पर इसकी जो 45% NTSC है ना वो भी मतलब काफी हद तक बढ़िया लगती है, मतलब मैंने इसे जितना भी यूज किया मेरे को इसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त लगी। नॉर्मल किसी भी लैपटॉप से तुम कंपेयर करोगे तुम्हें इसकी डिस्प्ले बहुत सही लगने वाली है, इवन आउटडोर में भी तुम्हें बढ़िया से अच्छे से दिख जाता सब कुछ और ब्लैक्स ऐसे हैं कि मतलब बिल्कुल OLED वाली फीलिंग देती है, मतलब है नहीं बट फील काफी ज्यादा अच्छी देती है, ब्लैक्स भी इसके बहुत ही डार्क है एकदम, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी कर रखी है Lenovo ने। बाकी 1080p वाला वेबकैम है इसके साथ, प्राइवेसी शटर के साथ फिजिकल वाला, कैमरा क्वालिटी 1080p के हिसाब से मुझे बहुत सही लग रही है। माइक PC का यूज हो रहा है तो नॉइज कैंसिलेशन देख लो कैसी है, वैसे ये चीज तुम चेंज भी कर सकते हो अगर तुम्हें नॉइज चाहिए तो वेंटेज वाले सॉफ्टवेयर से। बाकी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करो यार फटाफट। तो ये रहा अपना वेंटेज वाला सॉफ्टवेयर, यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स तुम्हें मिल जाएगी जिसको तुम चेंज करके अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, यहाँ साइड में देख सकते हो कितना कुछ है। तो यहीं पर डिवाइस सेटिंग्स के अंदर अगर तुम आओगे तो यहाँ पर हमें अपने डिवाइस के अंदर जो जो चीजें हमें चेंज करनी है वो सब दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पावर के अंदर ऑडियो
डिस्प्ले एंड कैमरा और इनपुट एंड एक्सेसरीज, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और यहाँ एडवांस सेटिंग में मुझे एक चीज़ मिली, यहाँ टचपैड से रिलेटेड हमें एक इंटेलिजेंट जेस्चर मिलता है। जैसे अगर तुम कोई फुल स्क्रीन पर मूवी देख रहे हो या फिर कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो, तो लेफ्ट वाली साइड से अगर तुम ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो अपनी ब्राइटनेस बिल्कुल एकदम डिम हो जाएगी, एंड वापस ऊपर करोगे तो ब्राइटनेस फुल हो जाएगी। सिमिलरली टचपैड की राइट साइड से अपनी वॉल्यूम कम ज़्यादा होती है। तो यहाँ मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ तुम देख सकते हो कि अपनी वॉल्यूम फुल हो रही है। बहुत ही सही लगा भाई ये मेरे को। अब थिन एंड लाइट है तो बैटरी की बात करनी जरूरी है। 56.6 वाट आवर्स की बैटरी है इसके अंदर, कैपेसिटी वाइज डिसेंट है। और मैंने इसमें जितना भी काम किया, वैसे तो लेनोवो 8 घंटे क्लेम कर रहा है वीडियो प्लेबैक पे, सिर्फ वीडियो नहीं देखते, अगर तुम नॉर्मल काम करते हो लो ब्राइटनेस पे कीबोर्ड बैकलाइट वगैरह बंद करके, तो मैंने इसको जितना भी यूज किया मुझे 5-6 घंटे का बैकअप इसने दे दिया, जो कि मतलब डिसेंट ही कहूंगा मैं। और एच सीरीज का प्रोसेसर है तो बहुत ज्यादा बैटरी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, पर थिन एंड लाइट के हिसाब से इतना मिल रहा है, मेरे हिसाब से ठीक है। तो ये था अपना लेनोवो का थिन एंड लाइट वाला बढ़िया सा मसाला। कुछ 70,000 के आसपास अभी इसका प्राइस चल रहा है, और अगेन जो इसके 12 जन वाले वेरिएंट है वो इससे सस्ते चल रहे हैं, मतलब 10,000 का डिफरेंस है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर बहुत ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए तो तुम उनकी तरफ भी जा सकते हो, वो भी बिल्कुल सेम है, बस प्रोसेसर का डिफरेंस है। बाकी ये भी मुझे बहुत ज्यादा सही लगा, अभी क्योंकि 13 जनरेशन नई है तो थोड़े एक्सपेंसिव साइड है ये लैपटॉप्स, बट हो सकता है कुछ टाइम बाद ये भी तुम्हें 60,000 के आसपास मिल जाए, और अभी सेल चल रही है तो वो भी हो सकता है उसका भी फायदा हो तुम्हें, देख लेना करंट रेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मैंने सेम प्रोसेसर के साथ इंटेल ईवो वाला वीवोबुक S15 OLED रिव्यू किया था, वो थोड़ा सा महंगा था, मतलब 10-15,000 महंगा था, बट उसके अंदर डिस्प्ले OLED आ रही थी और भी 2-3 चीजें अच्छी थी इसके कंपेयर में, पर पोर्ट्स वगैरह इसके अच्छे लगे मेरे को, प्लस इसमें टाइप सी चार्जर भी आता है। मेरे को डिस्प्ले के अलावा बाकी सारी चीजें इसमें ज्यादा अच्छी लगी। तो देख लेना अपने हिसाब से, जो तुम्हें पसंद आए वो खरीद सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा सारे, और जो भी वीडियोस चेक करनी है उनके लिंक भी तुम्हें मिल जाएंगे, खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, डिसीजन तुम्हारा है, और इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। बाकी मजा आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब मार के जाना, हम मिलेंगे ऐसे किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।